पहला वर्ड एब्सलूट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एब्सलूट का मतलब क्या होता है? एब्सलूट का मतलब क्या होता है? जैसे आप इसको ये रिलेट करके चलना, एब्सलूट होता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप ध्यान से कॉपी करिएगा, मतलब कॉपी बोल रहा हूं, टाइप करिएगा वर्ड और जितनी बार मैं बोलूं बोलिएगा। एब्सलूट क्या कहा? एब्सलूट इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है जब कोई भी चीज आपके लिए समझने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ट्रिकी हो जाए, तो आप बोलोगे वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर कोई भी चीज है उसको हम बोल के चलते बेटा एब्सलूट। जैसे मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं आपको कोई ऐसा पैराग्राफ दे दूं, आपने बोला सर आप तो मजाक कर रहे हो, क्या हो गया सर ये तो बड़ा एब्सलूट है, बड़ा एब्सलूट ऐसे है, बड़ा एब्सलूट पैराग्राफ है, बड़ा एब्सलूट थ्योरी है ये तो। सो एब्सलूट हो गया वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा फिलोसफिकल कोई ऐसे हो जाए, आपने बोला सर ये तो बहुत एब्सलूट है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, प्लीज आप हमें समझा दो, प्लीज आप हमें समझा दो सर हमें तो ये मुश्किल लग रहा है, ठीक है। सो एब्सलूट आप उसको बोल के चलेंगे जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। जरा एग्जांपल देखिएगा, मेनी स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द एब्सलूट फिलोसफिकल एसे। तो बेटा वो जो एसे था बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आया, तो उन्होंने क्या बोला? डिफिकल्ट है सर। तो आज के बाद डिफिकल्ट को साइड कर दो बेटा, उस डिफिकल्ट की जगह एब्सलूट को पकड़ लो, कोई भी संदेह नहीं, बिल्कुल दिलो दिमाग तक गया। एक बार मेरे साथ बोलो एब्सलूट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक बार मेरे साथ साथ एग्जांपल पढ़ दो, मेनी स्टूडेंट बोलते रहो, हेलो भाई साहब देख के इधर बोलते रहो बेटा, बोलता रहा, मेनी स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द एब्सलूट फिलोसफिकल एसे, ठीक है। चलो जी अब इसका जरा सिनोनिम्स की बात करते हैं बेटा। डिफिकल्ट बिल्कुल हो सकता है, डिफिकल्ट बिल्कुल हो सकता है। दूसरा इसका बन के चलता है बेटा कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा क्या बन के चलता है इसका? कॉम्प्लिकेटेड। आप कह सकते हो कोई भी चीज कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, उसके लिए आप कह सकते हो सर एकदम अच्छा डरा देते सर आप ऐसे बोल के। अरे एनर्जी यार मस्ती मजाक में पढ़ेंगे, याद होगी वो क्या, तो माथे में सिलवटे लेके ब्रेकअप हो रखा है, बैठे हो जानू बहुत याद आ रही है, एब्सलूट डिफिकल्ट सर, फिर कहता जानू बहुत याद है, फिर कहता है एब्सलूट डिफिकल्ट कहां याद होगा, ध्यान इधर रखना भाई साहब, ठीक है ध्यान इधर रखना, सरकारी बाबू के साथ जानू चली जाएगी, बता रहा हूं वरना। सो एब्सलूट का मतलब होगा बेटा कॉम्प्लिकेटेड। अगला देखें आर्केन, हमारे पास तीसरा वर्ड हुआ। अच्छा ये तो बेटा मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बच्चा बच्चा जानता है। अब मैंने बोला आर्केन, अगला वर्ड क्या आ गया? आर्केन, तो इसको मैंने कर दिया छोटू भाई एक्सप्लेन, जो हमारा आज का तीसरा वर्ड बनेगा। आर्केन का मतलब ये होता है बेटा कोई भी चीज जो बड़ी मिस्टीरियस हो, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, डिफिकल्ट हो, मिस्टीरियस हो, रहस्यमय है, बहुत मुश्किल है समझने के लिए सर, बहुत मुश्किल है बेटा, उसको बोलते हैं आर्केन। मिस्टीरियस एंड नॉन ओनली बाय अ फ्यू पीपल, कुछ ही लोग उसके बारे में जानते हैं बेटा, कुछ ही लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे अभी अभी हमारा बजट आया है बाबू, जैसे ही बजट सुनाया गया हमने बोला भाई कुछ पल्ले ना पड़ा हमें, तो चलो एक काम करते हैं सीए को कॉल लगाते हैं, भाई साहब क्या कह रहे हैं ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है टैक्स। आपने बोला बड़ी बड़ी एब्सलूट डिटेल्स है, बड़ी आर्केन, अब शब्द क्या यूज करो बेटा, बड़ी आर्केन डिटेल्स है यार बजट में, तो बड़ी आर्केन डिटेल्स है, अपने को तो पल्लो नहीं पड़ा भैया, पूरी यूट्यूब की वीडियो देख डाली हमने, देख डाली कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। हमने बोला आर्केन डिटेल दी गई है उस बजट में, आर्केन डिटेल्स है बजट में, तो आपने बोल दिया सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द आर्केन डिटेल्स ऑफ द बजट, समझ रहे हो पाजी, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करोगे। तो देखो ही वाज द ओनली पर्सन, वो केवल एक ऐसा आदमी था वो अंडरस्टूड, जिसको समझ आई थी ऑल द आर्केन डिटेल्स, सारी मुश्किल डिटेल्स, डिफिकल्ट डिटेल्स, रहस्यमय डिटेल्स, मिस्टीरियस डिटेल्स उस एग्रीमेंट की। तो बेटा ये हुआ तीसरा वर्ड आर्केन, आपको समझ में आ गया। सो एब्सलूट कॉम्प्लिकेटेड आर्केन, बोलना जरा एब्सलूट कॉम्प्लिकेटेड आर्केन। अगले वर्ड पे आते हैं बेटा, ओहो मेरे दिल के बहुत करीब है भाई साहब ये वर्ड, इसको बोलते हैं बेटा एसोटेरिक। एसोटेरिक ये बहुत प्यारा है भाई साहब, बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनना बेटा, एसोटेरिक को जरा ध्यान देना। जैसे मैंने बोला भाई साहब कॉफी पियोगे, आपने बोला बिल्कुल सर जरूर लेंगे, मैंने कॉफी मंगाई, मैंने घूम मारी, मैंने बोला यार इनकी तो कॉफी बढ़िया नहीं है, बोला क्या हो गया, मैंने बोला वो टेस्ट नहीं आ रहा, वो गजब का टेस्ट नहीं आ रहा, भले गजब का टेस्ट क्या होता है सर, कॉफी तो कॉफी होती है, टेस्ट क्या आना, मैंने यार तू कम पीता ना कॉफी, हां मैं ज्यादा पीता हूं, मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, गहन अध्ययन है, सो मेरा टेस्ट जो है एसोटेरिक है बिल्कुल। तो बेटा एसोटेरिक वही चीज है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, यानी राह चलता बोलेगा हाँ ठीक है कॉफी कर लो प्रोडक्शन। जब भी कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, खाने का आइटम बनाती है, फूड आइटम, और उसको टेस्ट कराती है, तो बेटा ऐसे इंसानों को बुलाती है जिनके पास एसोटेरिक चीजों को समझने की भी शक्ति हो। सो एसोटेरिक का मतलब है ये सिर्फ उन लोगों को ही समझ आएगी जो स्पेशल उस चीज में अपने आप में नॉलेज रखते हैं, बादशाह हैं उस फील्ड के वो। सो उसके लिए बेटा एसोटेरिक आपके लिए यूज किया जाता है कि ऐसी चीज दैट इज अंडरस्टूड ओनली बाय दोज पीपल हु हैज गॉट अ स्पेशल नॉलेज, जिनके पास एक तरीके की स्पेशल नॉलेज, उस तरीके से आप बोलते हो बेटा एसोटेरिक, ठीक है उन्हीं को पल्ले पड़ेगी। तो बना वेरी अनयूजुअल एंड अंडरस्टूड और लाइक बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल स्पेशली दोज विद स्पेशल नॉलेज, आया बेटा वेरी गुड। सो ही हैज एन एसोटेरिक कलेक्शन ऑफ ओल्ड टॉयज एंड गेम्स। अब आप उस गेम में घुस गए, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा भाई साहब, आप जो पबजी नहीं खेलते उनको क्या पता पबजी में क्या होता है, कहता उतर गया अब क्या करूं, खड़ा कहता अब एक काम कर हम इस गेम में आगे चलना है, कहते हैं क्या भाई बकवास माजी। तो वो एसोटेरिक अपने आप में चीज कैसे बन गई, उसके पास एक एसोटेरिक कलेक्शन है ओल्ड टॉयज की और गेम्स की, इसका मतलब वो सिर्फ उसी के पल्ले पड़ेगी जो उन गेम से रिलेटेड चीजों को जानता होगा, नॉलेज होगी, अदरवाइज दूसरे के लिए तो बेटा वो मुश्किल बन गई, दूसरे के लिए तो डिफिकल्ट बन गई, समझ रहे हो बाबू, वेरी गुड। अब जिन जिनको पबजी वाला जोक समझ आ गया उनका सबका फ्यूचर का सत्यानाश होगा, पबजी खेलते रहते हैं बेटा बर्बाद करोगे फ्यूचर, मेरे को क्या आओ जी। एसोटेरिक के बाद मेरे बच्चे मेरे दिल के एक और बहुत करीब है, एसोटेरिक हमारा हो गया बेटा चौथा वर्ड, ठीक है। अब देखो हर्मेटिक, क्या बोला हर्मेटिक, अरे सर ये वर्ड तो आपने क्लास नंबर 5 में कराया था, क्लास नंबर 5 में 8:11:13 पे एक वर्ड मैंने कराया था बेटा हर्मेटिक, सर उस टाइम पे आपने हर्मेटिक बोला था, हर्मेटिक होता है एकदम क्लोज, जो चीज एकदम सील पैक है सर, हवा पास नहीं हो सकती, लिक्विड पास नहीं हो सकता, एकदम क्लोज है, तो आपने बोला सर आपने हर्मेटिक बताया था,
हर्मेटिक बताया था आपने, तो एकदम सील पैक मामला भाई साहब, वेरी गुड। सो हर्मेटिक शब्द, लेकिन आज आपको जानकर ये अचंभा होगा बेटा, हर्मेटिक के तीन मीनिंग होते हैं, हर्मेटिक के तीन मीनिंग होते हैं। तो इसी को मैंने बोला पांचवा वर्ड, इसी को बोला मैंने छठा वर्ड, और इसी को बोला मैंने सातवां वर्ड। आपने बोला ये क्या चमत्कार है बेटा, इसके तीन मीनिंग होते हैं। आज आपको हर्मेटिक पता चलेगा। देखो एक तो हर्मेटिक का मीनिंग हो गया बेटा, जो भी चीज क्लोज हो, ना हवा पास हो सकती है, ना लिक्विड पास होता, कुछ भी पास नहीं हो सकता, एक उसके लिए आप हर्मेटिक आप बोलते हो, ठीक है, एकदम पैक है। एक हर्मेटिक का चीज है, जब वो चीज इतनी पैक ही हो गई तो डिफिकल्ट होगी ना समझने के लिए। अगर कोई भी चीज आपके लिए हर्मेटिक हो गई तो बेटा आपके लिए वो समझने के लिए वो आसान होगी या डिफिकल्ट होगी, आप खुद से सोचो। वो चीज आपके लिए आसान होगी या डिफिकल्ट होगी? आपने बोला सर मेरे लिए भी वो तो डिफिकल्ट होगी, हाँ ठीक है। और अगले मीनिंग से पहले मैं आपको एक बात का रिक्वेस्ट कर दूं बेटा, लाइक एंड शेयर कर दें, ठीक है। देख लो कहां से कहां मैं लाइक एंड शेयर कर लिया हर्मेटिक के तीसरे मीनिंग से पहले, छोटा सा चिंटू ब्रेक, आप लाइक एंड शेयर करना हर एक बच्चे तक बेटा, ये बैच पहुंचना चाहिए। जिसने जैसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करके रखा। चिंटू ब्रेक के बाद की बात, अब देखो बेटा मैंने क्या किया, उसके तीनों के तीनों मीनिंग पाजी एक्सप्लेन कर दिए। हर्मेटिक का पहला मीनिंग, सो टाइटली क्लोज्ड दैट नो एयर कैन लीव और एंटर बेटा, इसलिए मैंने बोल दिया हर्मेटिक सी, हर्मेटिक सी। आगे देखो दूसरा, इफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इज हर्मेटिक, अगर कोई ग्रुप हर्मेटिक है ना बेटा, तो उनको बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने एरिया में रहते हैं, ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। सो द पीपल हु लिव विद इन इट डू नॉट ऑफन कम्युनिकेट विद दोज हु लिव आउटसाइड इट, उससे बाहर वो मिलने नहीं जाते हैं। सो हमने बोला ही एंटर द हर्मेटिक वर्ल्ड, वो हर्मेटिक वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। एक ऐसी दुनिया, ऐसा गांव है, कस्बा है, शहर है, एक ऐसे एरिया में लोग रहते हैं जिनको बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं है। सुन रहा है ना तू, ठीक है। आगे देखो तीसरा इसका मीनिंग बेटा, जो मैंने अभी बताया, एक कोई भी ऐसी चीज जो ऐसा सब्जेक्ट हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो मिस्टीरियस हो जाए, जो इतनी पैक ही होगी तो कहां समझ आएगा, इसका मतलब मेरे बच्चे हर्मेटिक डिस्कशन है। मैंने बोला यार क्या समझ आया, कुछ कह रहा था, कहता अपनों को तो कुछ पल्लो ना पड़ो भैया, कहा हो गया भैया, कहता हर्मेटिक डिस्कशन थी भैया जी, हमको तो कुछ पल्लो ना पड़ी। तो समझो अब एक बात बताओ, हर्मेटिक कुछ पास नहीं, हर्मेटिक वो लोग जो बाहर वाले एरिया से मतलब नहीं रखते। हर्मेटिक एक और मीनिंग सर, जो चीज इतनी ही क्लोज हो गई तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, आप ये वर्ड बोल सकते हैं। छोटू भाई तीन मीनिंग हुए, तो हमने भी क्या किया, हमने क्या किया, इसको पांच छह सात का ओहदा दे दिया, तुम ही हो पांच, तुम ही हो छह और तुम ही हो सात बेटा, तीन मीनिंग ताकि आपके दिमाग में रहे। हर्मेटिक रिलेट एक ही से करके एक तीन से तीन शिकार मार दिया हमने, समझ आया, डायलॉग खराब हो गया था। आगे देखो बेटा सेवंथ, सेवन वर्ड है मेरे दोस्त, रिकंडाइट। अच्छा रिकंडाइट का मतलब भी क्या होता है, रिकंडाइट का भी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स हो, जो चीज कॉम्प्लिकेटेड हो, जो बहुत कम को समझ आएगी उसी को बोल के चलते हैं मेरे बच्चे हम, रिकंडाइट, जो कॉम्प्लेक्स हो और जो चीज मिस्टीरियस बन जाए, तो उसके लिए हम रिकंडाइट शब्द का यूज करते हैं। नॉट नोन अबाउट बाय मेनी पीपल, ज्यादा लोगों को उसके बारे में कुछ खबर नहीं है, एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई, समझ रहे हो भैया। आगे सुनिएगा, सो वी हैड टू वर्क फ्रॉम मटेरियल एंड दैट वाज बोथ कॉम्प्लेक्स एंड रिकंडाइट, मतलब एक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, हाँ, और किसी की मदद भी ले तो वैसे ही वो कम लोगों को समझ आता है, सो वैसे भी वो रिकंडाइट हो गया, तो उसके लिए आप ये चीज यूज करते हैं। सो क्या है वो, कॉम्प्लेक्स भी है मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है, और साथ साथ रिकंडाइट भी, मतलब दूसरों की भी मदद लेंगे तो बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, हर किसी से आप सलाह नहीं ले सकते। सो इसके लिए आपने शब्द यूज किया बेटा रिकंडाइट, एज एन एडजेक्टिव आप इसे यूज करो छोटे भाई। आगे देखो बेटा अगले वर्ड में हमारे पास कह रहा है, इसी का रिकंडाइट याद रहेगा, इसी का अगला एक दोस्त आगे बेटा प्रोफाउंड, प्रोफाउंड को क्या था, सॉरी पांच छह सात, ये था भाई आठवां, नंबरिंग ठीक करो ताकि आपको याद, रिवीजन करने में मजा आए। अच्छा कल मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेंगी हमारी ऐप पर, सारा कुछ समझा दूंगा, कल वो वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, कैसे आपको इनकी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है, कैसे आपको सारी चीजें देखनी है। आगे बढ़िया बेटा, ठीक है, सात क्लास की इकट्ठी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट भी बनाएंगे यार काफी दिन हो गए, चलो सात क्लास होगी, प्ले लिस्ट बनाने में मजा आएगा। प्रोफाउंड बेटा, प्रोफाउंड को मैं 9 और 10 बोल के चल रहा हूं, क्योंकि इस प्रोफाउंड के भी दो मीनिंग होते हैं बेटा। जब आप प्रोफाउंड का मीनिंग देखते हैं तो याद रखिएगा दो मीनिंग इसके निकल के आते हैं, ध्यान से सुनो। एक तो प्रोफाउंड होता है बेटा जो बहुत कम समझ में आए, मतलब डिफिकल्ट, सेम मीनिंग सिनोनिम हो गया। एक प्रोफाउंड का मतलब होता है बड़े गहरे जख्म मेरे दिल पर रह गए, बड़े गहरे जख्म मेरे दिल पर रह गए, मुझ पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा तो उसके लिए मैं कह सकता हूं बेटा प्रोफाउंड, मुझ पर उस चीज के प्रोफाउंड इफेक्ट्स थे, मुझ पर उस चीज के प्रोफाउंड इफेक्ट्स थे, बड़े गहरे इफेक्ट्स थे, बड़े स्ट्रॉन्ग इफेक्ट थे। प्रोफाउंड के भी दो मीनिंग होते हैं, प्रोफाउंड पहला डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और दूसरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहना, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहना, दो मीनिंग प्रोफाउंड के निकल के चलते हैं। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया भाई साहब। पहला मीनिंग बेटा शोइंग अ क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सीरियस मैटर, कि आपको किसी सीरियस मैटर को एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मैं कुछ मुश्किल आपसे पूछ रहा हूं, कुछ टेक्निकल आपसे पूछ रहा हूं, तो मैं बोलूंगा चलो भाई मैं आपसे प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछता हूं, एक प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछता हूं, सो यू आर टचिंग ऑन अ वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन। So, बड़ा क्या है उसमें तो डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी लगेगी, उसमें तो बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी लगेगी, तो मैं आपसे एक प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछता हूं। पाजी पहला मीनिंग तो आ गया भाई मेरे प्रोफाउंड का, ये निकल कर आसान हुआ कहानी, आगे सुनिएगा। दूसरा है बेटा फेल्ट और एक्सपीरियंस वेरी स्ट्रॉन्गली इन अ एक्सट्रीम वे, बहुत गहरे तरीके से किसी चीज को फील करना, ठीक है। तो हिज मदर्स डेथ व्हेन ही वाज एज्ड 6 had a very profound effect on him, तो उस पर बड़े profound effect उस चीज के रहे कि उसके जो माता जी थी वो गुजर गई थी, उस पर बड़े गहरे जख्म उसके दिल पर रहे। सो बेटा वो बोल दिया गया प्रोफाउंड, ठीक है, बहुत आसान। जो भी बच्चा छोटी छोटी बातें पूछ रहा है क्लास के एंड में बताऊंगा, बीच में बेटा एक फ्लो से वो कैब याद करते चलेंगे। आप देखो ना इस बैच में मेरा रवैया अलग है, पुराने जो वोकैब बैच था उसमें मेरा रवैया अलग था, इसमें मैं जब तक एकदम पहना एकदम वोकैब उस चीज को लहराते हुए याद करो बेटा, मेंस आने लग रहा है, सारे पेपर आने लगे, इनसे बाहर कोई वोकैब नहीं है, तो अपना याद करके चलना। चलो बेटा अगला वर्ड, ओहो बड़ा ही प्यारा वर्ड है मेरे दिल के बहुत करीब, आप बोलोगे सर हर एक वर्ड तो दिल के करीब आपके, ये बहुत करीब है दिल के, क्यों, क्योंकि बेटा बड़ी शिद्दत से पीडीएफ बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। 11वां वर्ड देखिएगा पाजी, एनिग्मेटिक। यार एनिग्मेटिक पता क्या होता है, मुश्किल समझने के लिए, जैसे कई बार आप लोग ऐसे लोगों से मिलते हो, ठीक है, या ज्यादातर ठीक है आपके साथ क्या होता है, जैसे आप लोग खड़े हो, चार लोगों का ग्रुप खड़ा है, पास से एक लड़की गुजरी और उसने आपकी तरफ देखा और स्माइल करके चली गई। अब तुम्हें उसकी स्माइल का मतलब समझ नहीं आ रहा है, कहते कि कैसी मुस्कुराहट थी भाई, हाँ, और हमारे चार लोगों ने पूछा मेरे को देखकर ऐसे, तो हमें ये नहीं पता चला वो मुस्कुरा आखिरकार कैसे गई। ज्यादातर ये वर्ड, ये एग्जांपल मैं क्यों सेट कर रहा हूं बेटा, ये यूज किया जाता है स्माइल के लिए, एनिग्मेटिक स्माइल,
देख रहे हो एनिग्मेटिक स्माइल, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसका मतलब ही नहीं समझ आ रहा है भाई सब कहना क्या चाह रही है। फिर आगे हमने देखा वो लड़की दूसरे को देख के मुस्कुरा रही है, आगे हमने देखा फिर दो मुस्कुरा रही, आगे देखा फिर मुस्कुरा रही, पता चला तुम ही बेवकूफ बन गए बेटा, वो तो मुस्कुराने की आदत है उसकी वो तो मुस्कुराने की आदत है उसकी, तुम खामखा वो के क्लास छोड़कर रिप्लाई देने चले गए। बेटा ध्यान से सुनिएगा, मिस्टीरियस एंड इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, शी हैज अ फेमसली एनिग्मेटिक स्माइल, तो उसकी तो एक एनिग्मेटिक स्माइल है, तुम तो खामखा ख्वाब बुन बैठे, ठीक है, दिल तो बच्चा है जी से, याद रखना इस एग्जांपल से एनिग्मेटिक वर्ड को, सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पता ही नहीं चला रहस्यमय स्माइल है, ठीक है, वो चीज है। कई बच्चे नहीं होते मुस्कुराते रहेंगे, कोई टीचर ऐसे होते तो मुस्कुराते मुस्कुराते थप्पड़ मार देते थे, उनका चेहरा ही ऐसा होता था, कहता समझ नहीं पाते कब ये बंदा रियल में खुश है, समझ नहीं पा रहा कब ये बंदा रियल में खुश नहीं है, कई टीचर ऐसे होते थे, उनका थप्पड़ बड़ा भयंकर लगता था क्योंकि हमने बॉडी टाइट नहीं की होती थी, क्योंकि कई टीचर होते थे चेहरे से ही दिखाते थे कि थप्पड़ मारूंगा, तो चेहरे दिखाते ना बॉडी को टाइट कर लेते थे, थप्पड़ लगने वाला है हां, बट ऐसे टीचर जो ऐसी स्माइल करते थे पता ही नहीं चल रहा भाई साहब ये बंदा गुस्से में मुस्कुरा रहा है या ये बंदा वाकई में मुस्कुरा रहा है, इसको मेरा जोक पसंद आ गया, ठीक है, ये चीज यहां पर है, तो वो ऐसे चिपकाते थे तो हमारी बॉडी ढीली होती थी, जो ढीले मुंह पे लगता थप्पड़ ज्यादा लगता है भाई साहब, ऐसा ही कुछ है, तो वही चीज यहां पर आपने अंडरस्टैंड करनी है, याद रहेगा बाजी, वेरी गुड बहुत ही बढ़िया भाई साहब, तो हमारा एनिग्मेटिक वर्ड हो बेटा, अगले आते हैं, एक इसी का लास्ट सिनोनिम बनता है मेरे बच्चे हमारा 12वां वर्ड क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का भी मतलब होता है बेटा बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड, इसलिए बोला प्रांजल गॉट अ क्रिप्टिक टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम हर्षित, प्रांजल को हर्षित से एक क्रिप्टिक टेक्स्ट मैसेज मिला, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैसेज, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा था, उसको बोलते हैं भाई साहब क्रिप्टिक मैसेज, कई बार हम ही बोलते हैं चल मैं एक्टिंग बताऊंगा, बताना मैं किसकी एक्टिंग कर रहा हूं, बताना मैं किसकी एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो ऐसी चीज यहाँ पर बनती है, सो क्रिप्टिक, उसने ऐसी एक्टिंग की आपको समझ नहीं आया, ऐसा मैसेज किया उसने समझ नहीं आया, तक बड़ा क्रिप्टिक मैसेज आया, तो डिफिकल्ट मैसेज था, बड़ा आसान हो गया, सो मेरे भाई मुश्किल से भरे हमारे 12 वर्ड है जो किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट दिखाते हैं, बेटा एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, इसके सिनोनिम्स को, मेरे बच्चे मेरे साथ साथ बोले और फटाक से फुर्ती चीते वाली फुर्ती दिखाते हुए टेक्स्ट मैसेज कर दें, पहला वर्ड क्या था कमेंट में करते रहेंगे, हर एक वर्ड कमेंट में लिखो, पहला वर्ड क्या है एब्स्ट्रूस और बोलो, दूसरा क्या है कॉम्प्लिकेटेड, तीसरा क्या है आर्केन, चौथा क्या है एसोटेरिक, पांचवा क्या है हर्मेटिक, के कितने मतलब तीन, एक बेटा जो हवा भी पास ना होने दे, एक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, एक ऐसे आदमी जो उस एरिया में रहते हैं, रिकंडाइट में क्या होता है बेटा मुश्किल, अगला वर्ड पढ़ते हैं प्रोफाउंड, अगला पढ़ते बेटा एनिग्मेटिक, अगला पढ़ते क्रिप्टिक, अब मैंने बहुत बोल लिया सर, अब आप एक बार बोल दो बड़ों को, बोल दो पहला क्या है एब्स्ट्रूस, दूसरा तीसरा नेक्स्ट ओहो आहो लाला ओहो खत्म, बहुत बढ़िया सर, चलिए अब इनके देखते हैं हम जरा एंटोनिम्स, और ये वर्ड हुआ हमारा 13 नंबर वर्ड, इजी, अरे यार ये तो आसान है, इसको टाइप करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप इसको लिखो फैसाइल, इस वर्ड को लिखो सर फैसाइल, फैसाइल 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 थ्योरी, फैसाइल रिमार्क, फैसाइल टेक्स्ट, फैसाइल एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब बहुत ही आसान छे, अब फैसाइल रिमार्क और थ्योरी इज टू सिंपल एंड हैज नॉट बीन थॉट अबाउट इनफ, और इसके बारे में क्या सोचना, फैसाइल वेरी 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 इजी, ठीक है सर, बहुत ही आसान होता, तो मैंने बोला अब फैसाइल एक्सप्लेनेशन, बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन, बहुत ही आसान इजी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो वेरी आप कह सकते हो इजी टू अंडरस्टैंड, उसके लिए बेटा फैसाइल शब्द यूज करते हैं, बहुत आसान हुआ, बार बार रिविजन करना है बेटा वरना भूलोगे भी, बार बार क्लासेस को रिविजन करना है, ठीक है, इसलिए अपना किताब खरीद के रखना और रिविजन करना, खरीद के सजानी नहीं घर पे, वो रिविजन करना बेटा, पांचवा मैंने यूज किया बेटा कॉम्प्रीहेंसिबल, देखो ये वर्ड आप जानते हैं इंग्लिश हमारी तीन चीजों पर टिकी है बेटा, ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन और एक सेक्शन कौन बोलते हैं बेटा कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, इसलिए कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या हो गया जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझ आने लायक हो, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में एबल जुड़ा है तो कॉम्प्रीहेंसिबल बन गया है, ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंसिबल आसान हो जाएगा छोटू भाई, आराम से समझ आएगा, इसलिए हमने क्या किया मैंने इस वर्ड को एक्सप्लेन ही नहीं किया, जरूरत नहीं है, अगला देखिएगा बेटा अपारेंट, अपारेंट अगला हमारा आ गया 16 नंबर का वर्ड सर, अपारेंट का मतलब होता है बेटा इजी टू अंडरस्टैंड, आ जाइए छोटू भाई, तो 16 नंबर वर्ड हमारा बना बेटा अपारेंट, अपारेंट का मतलब होता है एबल टू सीन और अंडरस्टैंड, जिसको आप समझ सको देख सको, ठीक है, हर अनहैप्पीनेस वाज अपारेंट टू एवरीवन, वो ना खुश है उसका ना खुश होना सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है कि वो खुश नहीं है, सो बेटा अपारेंट का मीनिंग निकलता है ये जो आराम से सबको दिखाई दे रहा है, जो आराम से सबको दे रहा है, तो जब अरिजीत सिंह के गाने समझ आने लग जाएं, गानों के लिरिक्स समझ आने लग जाएं, समझ लो प्यार में हो तुम, सो और सबको दिखाई दे रहा है वो चीज, तो हमने बोला ठीक है, फिर आप सैड सॉन्ग पे आ गए और सैड सॉन्ग के लिरिक्स को बड़ी समझ पा रहे हो आप, तो आपने बोला हर अनहैप्पीनेस वाज अपारेंट टू एवरीवन, सबको दिखाई दे रहा है, चलो जी बोलो जी अगला वर्ड एविडेंट, बेटा जो ये अगला वर्ड बना है हमारा एविडेंट, जो इसका एंटोनिम बन के चलता है बेटा एविडेंस से बना है, एविडेंस क्या मदद करता है चीजों को पकड़ने में, मुझे एक एविडेंस इसके खिलाफ मिला है, इसका मतलब वो हो गया इजी टू अंडरस्टैंड, वहां से चीजों को आपको समझ आ रही है, सब चीज दिख पा रही है, सो एविडेंस से एविडेंट बना है बेटा, जिसको हमने बोल दिया एडजेक्टिव, सो इजीली सीन और अंडरस्टूड, तो बहुत ही प्यारा वर्ड हमें मिल गया जो आसानी से अपने को समझ आ गया बेटा, तो क्या बना हर हिज करेज ड्यूरिंग हिज इलनेस वॉज एविडेंट टू एवरीवन, बीमार था बेटा वो तब भी काम धंधा कर रहा था, मैंने बोला ना आज कि मैं बहुत थका हूं तब भी मैं क्लास ले रहा हूं, क्यों सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपका उत्साह देख के कमेंट्स में ये आग जो लगा रखी है ना आपने, हर वर्ड टाइप कर रहे हो, उम्मीद कर रहा हूं बेटा बोल भी रहे होगे, ठीक है, उम्मीद देखो मैं बहुत अच्छी अच्छी कर रहा हूं, नहीं बोल रहे हो तो बेटा पाप लगेगा, सच्ची में पाप लगेगा, क्योंकि दिल से अगर कोई टीचर पढ़ाए और बच्चा उसकी बात ना माने दिल से बुरा लगता है मेरे दोस्त, ठीक है, चलो तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, देन आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके साथ ऐसा होता होगा ना, जब आप घर पे आपने कभी अपना छोटा भाई या बहन पढ़ाया है, अगर आपने अपना छोटा भाई या बहन पढ़ाया ना तो आप मेरी बात से एक बार रिलेट करोगे, जब आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते हो और आप उसे पूरी शिद्दत से पढ़ाते हो बट वो ध्यान नहीं देता है, तो आप क्या इंतजार करते हो मम्मी पापा मार्केट चले जाएं, फिर मम्मी पापा मार्केट चले जाते हैं, फिर आपका मन होता है इधर आवे बट ढक्कन एक बार के समझ नहीं आती, तुम्हारा मन करो इसको उल्टा टांग के दो चार डंडियां मार के इसको सीधा कर दूं मैं,
क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हें इसका फ्यूचर दिख रहा होता है, बर्बाद होना ही निकम्मा, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि आप भी उस एज से गुजरे थे बेटा, और आपने भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, जब बेसिक्स पे आपने ध्यान नहीं दिया, आज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप में से कितने सारे बच्चे जिनको इजीली वो कैसे याद हो जा रही है, किनको कितने सारे आप में से बच्चे जिनको दो बार क्लास देखनी पड़ रही है, आज उनको मैं तो पता चलता है कि काश मैं उस वक्त पढ़ लिया होता। वही एक टीचर पर गुजरती है जब वो चीख चीख के कह रहा होता है पढ़ लो, और आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, फिर टीचर कह रहा होता है मेरे दोस्त वाकई में पढ़ ले बेटा, तेरी उम्र से मैं गुजरा हूं, मुझे आज पता चल रही है जीवन के मायने की, पढ़ाई के मायने की, काश हमें भी ऐसा ही टीचर मिल गया होता तो जी जान से पढ़ा रहा होता, आज भी कहीं से कहीं और होते और बेहतर शायद लाइफ में कर रहे होते। वही हमारा दिल करता है कभी कभी कि काश ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जहीं से डंडा फेंक के मारूं और वहां जाके तुम्हें डंडा लगे, जैसे शेयर एंड लाइक करते हैं ऐसे डंडे भी शेयर होने लग जाते। ओहो मजा आ जाता है भाई साहब, कमाल हो जाता, हर बच्चा यूं बोल रहा होता, जो ना बोले ऑटोमेटिक अलार्म सेट हो जाता, जिसकी आवाज ना निकले धड़ाक से डंडा लगता। मैं कसम से कह रहा हूं बेटा कई सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है? वही रखेगा प्लीज, तो धोखा ना दे, यहां से मैं वर्ड बोलने बोल रहा हूं, आप बोले हर चीज को शिद्दत से दिल से याद करें, बर्डन ना माने मेरे बच्चे, वरना यहां तो लाइफ में इंसान नहीं याद रहते, जिनको आप दिल से याद ना रखना चाहे वो इंसान याद नहीं रहते, ये तो साले वर्ड इनकी क्या औकात है। तो जब तक आप इसे दिल से नहीं मानोगे कि वो क्या याद करनी बेटा, ऊपरी तौर से याद नहीं होगी, याद रखिएगा सर। चलो बेटा अगले वर्ड पे आते हैं, लूसिड। लूसिड का मतलब होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, बट लूसिड हिंट, लूसिड हिंट। ऐसा नहीं होता आप थ्योरेटिकल कोई पेपर दे रहे हैं, आपको कोई शब्द याद नहीं आ रहा, 15 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरी में ज्यादातर ऐसा होता है, दूसरे ने बोला राज्यसभा, उन्होंने बोला बस अब तेरा भाई 20 नंबर का क्वेश्चन लिख लेगा। सो कई बार थ्योरी में ऐसा होता था, कोई एक बंदा छोटी सी हिंट दे दे, वो दिल पर ऐसे पहुंच जाती, मुझे याद आ गया, बस 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 आगे कुछ मत बोल, अब तेरा भाई देख कैसे 3-4 पन्ने बताए। तो पूरा लोकसभा राज्यसभा का को तुम पंचायत तक घसीट लाए हो, लेकिन तुमने वो 15 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो उसने लूसिड रिमार्क दिया था बेटा तुझे। सो शी गेव अ क्लियर एंड लूसिड अकाउंट ऑफ हर प्लान्स फॉर द कंपनीज फ्यूचर, कंपनी फ्यूचर के लिए उसने साफ साफ अपने प्लान बता दिए कि ये होने वाला है, साफ साफ एक्सप्रेस कर दिया कि ये होने वाला है। तो इजी टू अंडरस्टैंड के बेटा लूसिड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आसान हो गया, आगे बढ़े बेटा। ये तो नेक्स्ट स्टेप आ गया, इसका मतलब बेटा इसके एंटोनिम्स हमने यहां तक देख लिए, क्या क्या बना, इजी, मेरे साथ बोले इजी, फेसाइल, कॉम्प्रिहेंसिबल, अपारेंट, एविडेंट, लूसिड। लूसिड आसान हो गया, एक बार बोल दो, इजी, फेसाइल, कॉम्प्रिहेंसिबल, अपारेंट, एविडेंट, लूसिड। आगे बढ़िए सर, अब बढ़ते हैं 19 नंबर वर्ड पर, और ये आगे मेरे बच्चे हमारा नेक्स्ट